नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे कार्तिक मास महात्म की 10वें दिन की कथा, अध्याय 10वें। ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह श्री कृष्ण का सप्तदशाक्षर महामंत्र है। अन्य मंत्र शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार 108 बार जाप करने से ही सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन यह महामंत्र 5,00,000 जाप करने से ही सिद्ध होता है। जो व्यक्ति ये मंत्र सिद्ध करता है, वह जो भी काम करता है उसमें सफल होता है। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व होता है। यदि सामर्थ्य हो तो कार्तिक नियम के प्रथम दिन से ही लगातार अखंड दीप भगवान विष्णु के सम्मुख जलाएं, अन्यथा प्रतिदिन दीप अवश्य जलाएं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इससे सुख समृद्धि और मुक्ति मिलती है। कार्तिक महात्म के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर से कहा कि जो भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन और दीपदान करें, उन्हें कभी धन की कमी मत होने देना। आगे अध्याय 10 की कथा में हम सुनेंगे जलंधर का देवताओं को जीतकर अमरावती पर राज्य करना। नारद जी बोले, हे राजन, देवताओं से हारकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे, वे भी जालंधर का आश्रय पाकर भूमंडल पर आकर रहने लगे। एक बार उस दैत्य राज जालंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य जी से पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय का सारा हाल उसे कह सुनाया और 14 रत्नों के हरने की कथा और दैत्यों की हार का भी सब वृतांत कह सुनाया। जलंधर ने अपने पिता सागर के मंथन की बात सुनकर क्रोध से लाल लाल आंखें करके घस्मर नाम के अपने एक दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर सुधर्मा नामक देव सभा में प्रवेश कर इंद्र से बोला, सागर के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के स्वामी हैं। उन्होंने अपना दूत बनाकर मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्होंने जो कुछ कहा है वह सुनिए। तुमने मेरे पिता समुद्र को पर्वत से क्यों मथा, और वहां से निकले हुए रत्नों को जो तुम ले आए हो उन्हें वापस कर दो। इस प्रकार दूत के वचन सुनकर विस्मित होकर भय और रोष से इंद्र घमसर से कहने लगे, हे दूत, हमने जो सागर का मंथन किया था सो सुनो। पहले मेरे भय से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कुक्षी में छुपा लिया था और बहुत से दैत्यों की भी उसने रक्षा की थी। इसी कारण मैंने भी उसके रत्न हर लिए। पहले सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से वैर करता था और वह भी समुद्र के भीतर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने मार दिया। अब तुम जाओ और समुद्र मंथन का कारण जलंधर से कहो। नारद जी बोले, तब वह दूत इंद्र से विदा हो पृथ्वी पर आया और इंद्र का संदेश जलंधर को सुना दिया। उसे सुनकर दैत्यराज क्रोध से कांपने लगा। फिर उसने देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं और पाताल से करोड़ों दैत्य और शुंभ निशुंभ आदि सेनापतियों को बुलाया और उसके साथ सेना लेकर स्वर्ग में जाकर नंदनवन को चारों ओर से घेर लिया। तब तो देवता भी कवच आदि पहनकर लड़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र सहित अमरावती से बाहर निकले और तत्पश्चात तुरंत देवताओं और दानवों में घोर युद्ध होने लगा। मूसल, परिध, बाण, गदा, बरछी, फरसा आदि सभी शास्त्रों से एक दूसरे की भयानक मारकाट होने लगी। दोनों तरफ की सेनाओं के हाथी, घोड़ा, सवार आदि के मरने से वह रुद्र की धारा बहने लगी। उस समय सायंकाल के लाल बादलों की तरह रणभूमि शोभा दे रही थी और युद्धभूमि में जितने दैत्य मरे पड़े थे उन सब को शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या को पढ़कर छिड़के हुए जल से जीवित कर दिया। उधर बृहस्पति जी ने भी युद्ध में मरे हुए देवताओं को द्रोणाचल से दिव्य औषधि ला लाकर जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर क्रोधित हो शुक्राचार्य जी से कहने लगा कि हमसे मारे हुए देवता फिर कैसे जी उठे, जबकि यह सबको पता है
कि आपकी इस मृत संजीवनी विद्या के बारे में आपके अतिरिक्त किसी और को पता नहीं है। तब शुक्राचार्य बोले, अंगिरा पुत्र बृहस्पति जी ने द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियां मंगवाकर इन देवताओं को जीवित कर दिया है, इसलिए तुम द्रोणाचल को हर लो। नारद जी बोले, दैत्येंद्र जलंधर ने यह सुनकर द्रोणागिरी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और वापस संग्राम में आ गया। तत्पश्चात संग्राम में देवताओं को मरे हुए देख बृहस्पति जी द्रोणाचल के पास गए, परंतु वहां द्रोणाचल नहीं दिखा। द्रोणाचल को दैत्य हरकर ले गए हैं, यह बात जानकर बृहस्पति जी भय से व्याकुल हो उठे और संग्राम स्थल पर आकर बोले, भागो, यह महादैत्य जलंधर जीतने में नहीं आएगा, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न है। इंद्र ने जो कुछ उपद्रव किए थे उन्हें याद करो, यह उसी से पैदा हुआ है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा जलंधर से भय मानकर सब देवता चारों ओर दशों दिशाओं में भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को हार कर भागते हुए देख शंखनाद करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। जलंधर के वहां प्रवेश करने पर इंद्र आदि देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रहने लगे और वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज्य करने लगा। कुछ समय पश्चात जलंधर को पता चला कि इंद्र आदि देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छुपे हुए हैं, तो उसने वहां जाने की योजना बनाई। फिर जलंधर, शुंभ निशुंभ आदि सब बड़े बड़े दैत्यों को देवताओं के स्थान पर अलग अलग नियत करके आप सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इति श्री कार्तिक मास महात्तम दशम अध्याय संपूर्ण।